फतेहाबाद से हाईवे के पास लगातार बढ़ रहा है पानी और पानी को डायवर्ट करने की कोशिश की जा रही है। मुंशीवाली गांव के पास माइनर को तोड़कर पानी डायवर्ट किया गया है। जिला प्रशासन लगातार इस कोशिश में जुटा हुआ है कि शहर के अंदर पानी ना पहुंचे। ऐसे में हाईवे के पास जिस तरह से वाटर लेवल बढ़ रहा है, पानी को मोड़ने की कोशिश की जा रही है, पानी का रुख मोड़ने की कोशिश की जा रही है, उसको डायवर्ट करने की कोशिश की जा रही है। मुंशीवाली गांव के पास माइनर को तोड़कर इस पानी को डायवर्ट किया गया है। जिला प्रशासन लगातार इसी कोशिश में है कि किसी तरह से शहर के अंदर ये पानी ना पहुंचे, तो उससे पहले ही पानी का रुख मोड़ दिया गया है। घग्गर नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। आप देख सकते हैं कि ये जो नेशनल हाईवे 9 के ऊपर हम अभी खड़े हैं और फतेहाबाद शहर के पास से होता हुआ ये नेशनल हाईवे निकलता है और इस नेशनल हाईवे की वजह से ये जो शहर है वो इस घग्गर नदी के बाढ़ के पानी से है वो बचा हुआ है। ये जो पुल बनाया हुआ है गट्टों से और मिट्टी से जो पुल बनाया हुआ है, ये सिर्फ शहर के अंदर जो पानी है उसको रोकने के लिए ये जो मिट्टी का पुल है वो बनाया गया है। ये डिवाइडर के बीच में ये पुल है वो बनाया गया है जिससे शहर के अंदर जो है पानी न आए, इसके लिए ये विशेष जो मिट्टी के गट्टों के साथ और मिट्टी से जो है रात भर ये बांध है वो बनाया गया है। आप लाइव तस्वीरों के माध्यम से भी देख सकते हैं कि किस प्रकार से ये पानी है, घग्गर का जो पानी है, बाढ़ का पानी है, वो देर रात से करीब आधा फुट से जो ज़्यादा है वो पानी अभी बढ़ा है। हालांकि अब जो खेतों के अंदर जो पानी है वो करीब 5 फुट से ज़्यादा है वो हो गया है और शहर को बचाने के लिए प्रशासन है जो सख्त प्रयास है वो कर रहा है। आप देख सकते हैं कि नेशनल हाईवे 9 के बीच में ये पुल है, जो बांध है वो ये बनाया जा रहा है ताकि शहर के अंदर जो पानी है वो न जा सके। इसके लिए रात भर प्रशासन जो है अपने कार्य में है वो लगा रहा और ताकि शहर के लोगों को बचाया जा सके और पानी के रुख को है वो लगातार मोड़ा जा रहा है कि जो पानी है वो शहर में न आकर किसी दूसरे गांव के खेतों में है वो चला जाए। और कई जगह से जो छोटी माइनर है उनको भी तोड़ा गया है ताकि ये पानी है वो खेत में चला जाए और शहर को है वो बचाया जा सके। ये इसीलिए ये जो बांध है वो बनाया जा रहा है कि शहर के अंदर पानी ना आए। लगातार पानी का जो जलस्तर है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और सिरसा की तरफ जो पानी है वो तेज़ी से जा रहा है। सूर्य समाचार के लिए फतेहाबाद से जसपाल सिंह।